माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। हो सकता है इस वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको नॉइस देखने को मिल रही होगी, सुनने को मिल रही होगी, तो आप उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारे बगल में ही माँ सरस्वती की मूर्तियाँ जो है वो स्थापित की गई हैं और ऐसे में लोगों ने डीजे वजे लगाया है तो उसका साउंड आ रहा होगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। बात करें सबसे बड़ी जानकारी की तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। माँ भगवती की यात्रा में भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन चलने वाली रोपवे सिस्टम को फिलहाल 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। जी हाँ, रोपवे की मेंटेनेंस को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने 3 दिन के लिए रोपवे सुविधा को पूरी तरीके से बंद कर रहा है श्रद्धालुओं के लिए। जो डेट है वो है 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, यानी 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोपवे की सुविधा आपको माँ भगवती के पवित्र पावन दरबार में देखने को नहीं मिलेगी। रोपवे में फिर से मेंटेनेंस का काम हो रहा है और रोपवे को मेंटेन करने के लिए श्राइन बोर्ड ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। हालांकि माता रानी के दरबार की सारी जो भी सुविधाएं हैं वो निरंतर तौर पर चलती रहेंगी, किसी प्रकार से कोई भी सुविधाएं नहीं बंद होगी, माता रानी की यात्रा नहीं बंद होगी, सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा है, सिर्फ रोपवे सिस्टम को 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। वहीं बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक और बड़ी अपडेट की, तो श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। श्राइन बोर्ड की जो भी आपको कैलेंडर है या फिर कोई भी ऐसी वस्तुएं हैं जो श्राइन बोर्ड की और आपको परचेस करनी है तो आप श्राइन बोर्ड के प्रसाद शॉप से या उनके जो शॉप्स होते हैं यात्रा ट्रैक में या कटरा में, भैरव घाटी में, भवन में, जहां पर भी होते हैं, आप उनके शॉप से वो चीज़ें परचेस कर सकते हैं, वो उनके शॉप पर आ चुका है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको कहीं से कोई कैलेंडर जो है वो PDF फॉर्म में इंटरनेट से सर्कुलेट होकर मिल रहा है, PNG फॉर्म में मिल रहा है, तो वो एक इनलीगल है क्योंकि श्राइन बोर्ड ने वो कैलेंडर डिज़ाइन किया है और अगर आप उसे लीगली तरीके से परचेस करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही रहता है। अगर आप कहीं किसी अदर प्लेटफॉर्म से उसे लेते हैं तो आप फंस सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मुझे लगा कि ये जानकारी आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सबको ये जानकारी शेयर की क्योंकि मेरे पास भी कई सारे लोग जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे। तो आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सर्कुलेट मत करिएगा। अगर आपके पास वो खरीदा हुआ है, बाई किया हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। अब अगर बात करें यात्रा की तो फिलहाल माता रानी की यात्रा सभी भक्तों के लिए पूरी तरीके से चल रहा है। यात्रा में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप माता रानी की पवित्र पावन यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सबके पास कोविड की नेगेटिव RT-PCR होनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, आपके पास दोनों डोज की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको किसी प्रकार से कोई भी कोविड की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल डोज लिया है या फिर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आपको यहाँ पर आकर टेस्ट कराना होगा या फिर अपने घर से ही अपना कोरोना का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ पहले जैसे ही चल रही है। सिर्फ एक बड़ा बदलाव जो है वो माता रानी की यात्रा में रोपवे सिस्टम को 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। माता रानी की यात्रा दर्शन सभी भक्तों के लिए सुचारू रूप से चलती रहेंगी क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं थोड़ा सा कोई चेंज होता है तो वो घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बस माता रानी पर भरोसा रखिए। माँ भगवती आप सबकी यात्रा को सफल बनाएगी और माता रानी से हम यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए कि माता रानी आप सबको बहुत ही प्यारे दर्शन दे, आपको जल्दी जल्दी दरबार बुलाए और माता रानी के दर्शनों के लिए आप माँ के दरबार आते रहें और उनके दर्शन प्राप्त करते रहें। फिर मुलाकात होगी कोई और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष और आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी।